गुजरात में यूपी और बिहार के लोगों के साथ हिंसा पर सियासत शुरू हो गई है। सीएम सिटी गोरखपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। सपा सांसद प्रवीण निषाद ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार गरीब विरोधी है। प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का पुतला फूंका गया, क्योंकि आज हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो गुजरात में रहकर अपने परिवार का पेट पालन, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन कराते थे, आज उनको उस प्रदेश से निकालने का काम भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। हम उनकी आवाज़ को उठाने के लिए हम लोग उनके विरोध में, भारत सरकार के विरोध में, क्योंकि रोजगार देने का जो वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देने का, उस पर तो विफल रही सरकार। और लेकिन जो लोग अपना स्वयं का रोजगार करके और दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजगार अपने परिवार का पेट पालन जीवन यापन कराते थे, अपने परिवार का पेट और भरण पोषण करते थे, उनके साथ भी अत्याचार और उत्पीड़न हो रहा है। वहीं गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पोस्टर भी लगाए जिसमें लिखा है कि ये उत्तर प्रदेश की धरती है और जहां प्यार मिला है नफरत नहीं। गौरतलब है कि गुजरात में एक बच्चे के साथ रेप की घटना के बाद यूपी और बिहार के लोगों के साथ हिंसा की खबर है, जिसके बाद लोग डर से अपने घर वापस लौट रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।